एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि उपमंडल में वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन धारकों एवं आम लोगों को घर द्वार पेंशन, नकदी लेन देन, एटीएम, चेक बुक इत्यादि की सुविधा आरंभ की है। उन्होंने कहा कि लोग घरों से कम निकलें, अपने ही घरों में रहें। प्रशासन उन्हें हर संभव सहायता घर द्वार पर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि उपमंडल के सभी प्रमुख बैंक अधिकारियों से बैठक कर ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों ने अपने नोडल अधिकारी तैनात किए हैं, जो लोगों की पेंशन, कैश, चेक इत्यादि के घर द्वार उपलब्ध कराने की व्यवस्था देख रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ जो कर्फ्यू में 8 से 11 बजे तक लोग किसी वस्तु के लिए बाहर आते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी एक संख्या उन लोगों की रहती है जो बैंक में किसी न किसी सर्विस के लिए आते हैं। आज हमने उपमंडल में यहाँ एक बैंक के अधिकारियों के साथ, कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया जिसमें कि सारे के बैंक अधिकारी ये मान गए कि हम बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम डोर स्टेप पे उन्हें दे सकते हैं। जैसे पेंशन है, पेंशन हम चाहते हैं कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे दी जाए। पेंशन वो चीज़ है जो वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है, जिनकी एज 50-60 से ऊपर ही होगी वही पेंशन लेते हैं। तो हमने ये एक प्रयास किया है कि जो पेंशन है या एटीएम की फैसिलिटी है, जो एक स्मॉल पॉश मशीन होती है उसमें उसे लेके, या चेक बुक्स हैं, या इसके अलावा कैश, चाहे डिपॉजिट करना है चाहे विड्रॉ करना है, ये सारी सुविधाएं हम लोगों को डोर स्टेप पे देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी बैंक इसके लिए इन प्रिंसिपल एग्री हो गए हैं। तो हमारा जो ये हेल्पलाइन नंबर है 0116119631, इस पे जब कॉल करेंगे तो आपको कंसर्न बैंक का, जैसे जो जो कोई भी बैंक है, मान लिया जाए कि आप बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं, तो उनका कंसर्न नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो वहां से आप नोडल ऑफिसर के साथ करके आपके डोर स्टेप पे ये पेंशन इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।